Thank you. Alright, so ये है हमारे super dancers, doctor और ये हमारे super dancers के super producer जो भी हैं doctor और program. So ये हमारे जो भी है जितने भी बात है, जितने भी लोग देखते हैं आपको, this is what makes super dancer number two show all over. Come on everybody, it's awesome. I'm going to go to the next one.
वैसे हाँ, तो मैं अब आप उनसे एक ही चीज सिखाना चाहता हूँ हमारे शो के बारे में, जो भी वो केवल लिया वन सुपर फैक्टर अबाउट शो दैट लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है सुनना चाहिए बारे में? आगे किस तरह बच्चे डांस करने वाले हैं अभी उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती, मैं क्लैरोइंट तो हूँ नहीं लेकिन अगर आपने शो देखा होगा तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चों का शो है, बच्चों का डांस शो है। और इस शो में अलग बात यह है कि जैसे गीता माँ ने भी कहा कि ये गुरु शिष्य का जो कॉम्बिनेशन है उसको ज़्यादा एम्फसाइज करते हुए इस शो को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा यूनिक है, तो बच्चे अपने गुरुज़ के साथ नाचेंगे, अपने गुरुज़ के अंडर नाचेंगे और उनका जो तालमेल है वो देखने को मिलेगा और जो ट्रू पोटेंशियल है इन बच्चों में वो और निखर के आएगा बाहर। नंबर वन डांस रियलिटी शो, इट्स अमेजिंग इज़न्ट दैट। हाँ, इतने कम टाइम में इसका कोई श्रेय हम नहीं ले सकते, आई थिंक प्रोड्यूसर्स और सोनी टीवी को बिल्कुल, और क्रिएटिव टीम बहुत ही अच्छा है। तो बहुत कम बोला इन्होंने, फर्स्ट वीक वेयर फर्स्ट वीक में टाइम नहीं लेते हम सीधा पहुंच जाते हैं। व्हेन देयर इज टैलेंट यू कांट डू एनीथिंग बट शिफा आप प्ले मेड ऑन दैट। इनको इनको देखने के बाद तो मैं जीरो हूँ, एक्चुअली मैं -10 हूँ। तो मैं आज प्रभु से बात कर रही थी, आज वो हमारे सेट पे आए थे और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जब हम 5 साल के थे तो हमको तो डांस का डी भी नहीं आता था। और प्रभु ने मुझे बोला आज कि जब वो 10 साल के थे तो उनको डांस इंट्रोड्यूस हुआ तब। यहाँ पे तो बच्चे ऐसे लगते हैं माँ के पेट में से प्रैक्टिस करके आए हैं बाहर, तो इट्स रियली अमेजिंग टू सी दिस काइंड ऑफ टैलेंट। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मेरा भी हमेशा डांस ही USP रहा है, एक्टिंग तो एक्टिंग के लिए कुछ मिला नहीं मुझे। बी हम्बल, बी सो डाउन टू अर्थ। नो बट इसमें कहने की क्या बात है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रियलिटी शो के, डांस रियलिटी शोज़ के विनर्स आज कोरियोग्राफर्स बन चुके हैं। पैसे कमाने का ज़रिया एक चीज़ है लेकिन जो फेम मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो एडुलेशन मिलता है उनको फैन से, ये उससे भी बड़ी बढ़कर बात है। तो आई जस्ट थिंक दैट TV प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ऑडियंसेस आपको इतना प्यार देती है कि टुडे डांस हैज़ डेफिनेटली बिकम अ करियर। पहले हाँ थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी लोगों को कि डांस को हम करियर नहीं बना सकते, बट गीता इज़ फार, आई थिंक यू मस्ट आस्क हर व्हाट हर एक्सपीरियंस इज विद डांस। It's been good. It's been fantastic. I'm here. I'm sitting next to you. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? I get to sit next to you and judge a reality show. लेकिन शिल्पा जी, जब आपने ऐसे करियर बनाया था उस वक्त ऐसी कोई रियलिटी शो नहीं होती थी, फिर भी आप सक्सेस हो गए एज एन एक्टर, क्या कहना चाहेंगे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने में? समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। मतलब यू पार्टिसिपेट इन अ रियलिटी शो जी, सक्सेसफुल था एक सक्सेसफुल होने का एक मतलब सीढ़ी है, क्योंकि आप लोग के जमाने में तो ऐसा कुछ रियलिटी शो होता नहीं था। क्यों? बिग ब्रदर जीती हूँ तो वो भी तो रियलिटी शो था, तो मेरी जिंदगी बदल गई उससे।
नहीं देखिए, आप परिवर्तन जिंदगी का नियम है, तो आप एक दौर को एक दूसरे दौर के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते. दिस इज़ द वेलकम चेंज. लोगों को ये अच्छा लगता है. हम आई थिंक 25 ईयर्स अगो इतने सारे चैनल्स भी नहीं होते थे. दो तीन चैनल होते थे और चित्रहार होता था और फूल खिले गुलशन होता था. तो ऑब्वियसली चीज़ें बदल गई हैं एंड यू हैव टू मूव अहेड विद टाइम्स. जी देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स, अगर वो बच्चों को ज़्यादा टीवी दिखा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है. मैं खुद एक पेरेंट हूँ, तो आई थिंक एक हद होना बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है. मेरी परवरिश ऐसे ऐसे घर में हुई है जहाँ पे हमको सिर्फ संडे के दिन टीवी अलाउड होता था और सिर्फ एक घंटा अलाउड होता था, और वो भी हमको चूज़ करना पड़ता था एक प्रोग्राम, क्योंकि एक हमारे लिए फिक्स था, महाभारत या रामायण, जो हम देखना नहीं चाहते थे. लेकिन उस प्रोग्राम से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे इंडियन वैल्यूज़ जो थे और हमारे ट्रेडिशंस और माइथोलॉजी के बारे में. तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं टीवी पे जो अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो मॉनिटर किए जाने चाहिए. और मैं बहुत प्राउडली और बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारा सुपर डांसर एक ऐसा शो है जो मैं अपने बच्चे को भी दिखाती हूँ. तो मैं टीवी, मेरा बच्चा तो खैर 4 साल का है तो इतना टीवी देखता नहीं है, लेकिन आई थिंक इंट्रोडक्शन सुपर डांसर के साथ हुई है. माला मैं इतना ही माला मी का बोलूँ क्या ड्रीम डे ड्रीम. अच्छा हमारे शो पे हर्ष धारा एक बच्चा आया था ऑडिशन के लिए, और उनको देख के हम इतना प्रेरित हुए बिकॉज हमको समझ में नहीं आया कि बिना म्यूज़िक या बिना सुने कोई इतना म्यूज़िकल कैसे हो सकता है या इतना रिदमिक कैसे हो सकता है. तो माई हार्ट गोज़ आउट टू ऑल दोज चिल्ड्रेन. लेकिन मैं उन बच्चों को कोई कम नहीं समझती. मुझे लगता है जब भगवान एक चीज़ नहीं देता तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उस बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लेस कर देता है. तो ये मेरा मानना है और मैंने देखा हुआ है ये चीज़ को. तो आई रियली आई फील दैट वे अबाउट दिस. सुपर डांसर के बारे में देखिए, हमारा हफ्ता अभी शुरू हुआ है. वी हैव जस्ट स्टार्टेड द शो, और शो के शुरुआत में ही द फर्स्ट वीक इटसेल्फ हमें पता चला है कि हमारा शो नंबर 2 ऑल ओवर नॉन फिक्शन और नंबर 1 डांस रियलिटी शो. सो आई थिंक इससे बड़ी बात, इससे खुशी की बात नहीं हो सकती, ना सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, ना चैनल के लिए, ना क्रिएटिव्स के लिए, हम सब के लिए. एंड आई थिंक ये शो में वो एक एहसास है, वो प्यार है हम सबका, सारे जितने भी यहाँ पर लोग मिले हुए हैं. सो आई थिंक इट्स दैट पॉजिटिव एनर्जी कमिंग टुगेदर, एंड वी आर होपिंग कि ये जो शो है लोगों को जितना पहले हफ्ते में पसंद आया है उतना ही पूरे सीजन में पसंद आए. एंड द किड्स आर unimaginably awesome. आप सोच नहीं सकते उनका टैलेंट इतना उमदा है. और जितने भी बच्चे हैं एक से बढ़कर एक, यानी कि उन हर किसी की अपनी अपनी एक सुपर क्वालिटी है, हर किसी की अपनी अपनी एक खास बात है. एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे आर हियर. सो या आई एम रियली एक्साइटेड. इट्स द नंबर 1 शो. सो सबसे पहले आपको बता दें, आप तीनों थैंक यू सो मच. आप जो सुपर डांस है उसके मंच पर आप परफॉर्म करने वाले हैं? नहीं, हमारे लिए मजाक के हम यहाँ परफॉर्म करें. नहीं कुछ होने वाला है इसके बारे में? कुछ नहीं, हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना दुश्मनी, ना प्यार, ना नफरत, बेहद कुछ भी अच्छा नहीं होता. एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड. पर हमारा शो बेहद बहुत अच्छा है. सिर्फ ये बेहद है जो बहुत अच्छा है. और जैसे कि कुशाल ने कहा, और कैसे हम तीनों अपनी अपनी तरीके से प्यार पाने की कोशिश करते हैं, किसी का कोई बेहद स्वीट है, कोई बेहद जुगाड़ू है,
जो गाड़ू है, कोई बेहद पागल है. सो अपने अपने तरीके से प्यार पाने की कोशिश को बेहद कहते हैं. मुझे हम बेहद था, मुझे बेहद अच्छी लड़कियाँ पसंद है. दिल की अच्छी होनी चाहिए, दिल की अच्छी होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और सुंदर भी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी. आप क्या क्वालिटी देखते हैं किसी लड़की में? इनमें तो बहुत हाई क्वालिटीज हैं, लेकिन ऐसे क्या जब वो लड़का मिल जाएगा हम उसको बता देंगे. वो हम ढूंढ लेंगे, हमको सबको बताने की जरूरत नहीं है. ओके, मैं पूछना चाहूंगा डांस और जो प्यार का जो कॉम्बिनेशन होता है, आपकी नजर में क्या मायने रखता है? क्या डांस और प्यार दोनों का? प्यार प्यार होता है, डांस डांस होता है. फिर भी आजकल प्यार को डांस के जरिए यू नो दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है. सो व्हाट यू थिंक? अलग अलग फीलिंग्स होती है, कैसे भी दर्शा दो, यार बोल के दिखा दो या डांस करके दिखा दो. डांस से आप यू नो यू पोर्ट्रे योर फीलिंग्स थ्रू डांस, यू कैन से लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू डांस. कभी आपने ऐसा किया है कुछ डांस के जरिए आपने कभी की? नहीं नहीं नहीं, फीलिंग आपने दर्शा नहीं. मैं फीलिंग डायरेक्ट बोल देता हूँ. और सीरियल में प्यार की डोर इतनी मजबूत होती है, जिंदगी में इतनी कमजोर क्यों होती है? पता नहीं यार, आपकी नहीं है कभी ऐसी? मुझे पता नहीं, सबकी होती है, सबकी लाइफ में ऐसा होता है. थैंक यू. थैंक यू.